नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। AKB ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल पूनम रावल ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है। शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आज के इस युग में सबसे दुखद बात यह है कि आज गुरु और शिष्य के बीच वो भावना नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। मैं पूनम रावल AKB ग्लोबल स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ। ये स्कूल कबूलपुर बांगल फरीदाबाद में है। मैडम, शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र को सुधारने के लिए अभिभावकों का जो सहयोग है वह बहुत जरूरी है। अध्यापक तो अपना पूरा योगदान देते ही है, जो भी हर तरह से स्कूल करता है, कोशिश करता है, पर उसके साथ साथ अभिभावक को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, बच्चों को जो है अभिभावक छुट्टी करा लेते हैं नॉर्मली स्कूल की। रेगुलरिटी भी बहुत जरूरी है उनकी, और स्कूल के साथ साथ घर पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। नैतिक मूल्यों में गिरावट जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? नैतिक मूल्यों में गिरावट में तो जिम्मेदार एक तरह से देखा जाए तो जो भी है सभी आते हैं इसमें। तो यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? देखिए, यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल तो करना चाहिए, बट इसको मेरे हिसाब से 9वीं क्लास से करना चाहिए। 9th क्लास से हमें इसको स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज ये भी जो बच्चों की नॉलेज है उसके लिए बहुत जरूरी है। सर, आज प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है और कहा जाता है कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है, आप कहां तक इस बात से सहमत हैं? गलत है जी, ये तो